बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर ये है कि कस्बे को अनिश्चितकालीन के लिए बंद की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सभी व्यापारी यूनियन ने की अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा। खाजूवाला तहसील को यथावत बीकानेर जिले में ही रखने की मुख्य मांग की गई है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं और बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कस्बे को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि मेडिकल एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया है। पूरे मार्केट के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी व्यापारियों ने आज प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध अपना दर्ज कराया है। एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में जोड़ने का विरोध हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खाजूवाला से, जहां पर खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले जोड़ने में विरोध दर्ज किया है। और करौली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लापावली गांव में टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए हैं। लापावली को गंगापुर जिले में शामिल करने का विरोध किया गया है। लापावली को यथावत करौली जिले में रखने की ही मांग की गई है। बालघाट सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोड़ा भीम के लपावली और कटारा गांव का ये पूरा मामला है और जहां पर विरोध दर्ज किया है। लपावली गांव में टंकी पर ग्रामीण चढ़े हैं और नहीं चाहते हैं कि वो करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टंकी पे ग्रामीण चढ़ चुके हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि ये एड हो, जुड़े ये गंगापुर जिले में लपावली शामिल किया जाए। वो चाहते हैं अलग रहे और उसमें ही खुश हैं, नहीं चाहते हैं कि ये किसी में जाकर जुड़े। तो बड़ी खबर आपको टोड़ा भीम के लापावली और कटारा गांव का ये पूरा मामला है, जहां टंकी पर चढ़ते हुए लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। पानी की टंकी है, जहां पर ग्रामीणों ने टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। करौली से ये बड़ी खबर, लापावली गांव में टंकी पर चढ़े हैं लोग और नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये विरोध दर्ज कराया है। वो नहीं चाहते हैं कि वो करौली का ये गांव जुड़े। तो लापावली को गंगापुर जिले में शामिल करने का विरोध दर्ज किया है ग्रामीणों ने, टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आपको हम करौली से दे रहे हैं और आज ही उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसमें शामिल किया गया है लापावली गांव को गंगापुर जिले में और नहीं चाहते हैं ग्रामीण कि ये गांव गंगापुर जिले में शामिल हो और इसीलिए वो पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवसृजित अनूपगढ़ जिले के स्थापना कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी सहित अन्य भाजपा प्रतिनिधि कार्यक्रम को छोड़कर बाहर चले गए। भाजपा ने अनूपगढ़ संघर्ष समिति के संघर्ष का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्थापना कार्यक्रम में पीएम मोदी पर टिप्पणी का विरोध जताया। तो बड़ी खबर आपको अनूपगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम को छोड़कर बाहर चले गए हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर नवसृजित अनूपगढ़ जिले के स्थापना कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्थापना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी का विरोध जताया गया है और विरोध जताने के बाद भाजपा ने अनूपगढ़ संघर्ष समिति के संघर्ष का नतीजा बताया और उसके बाद अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी सहित अन्य भाजपा प्रतिनिधि कार्यक्रम को छोड़कर बाहर चले गए। अपना विरोध दोनों ने इसी तरह जताया कि वो कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए। और सीकर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग संस्थान पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक कोचिंग संस्थान पर ईडी की टीम पहुंची, कोचिंग में चल रही छानबीन कार्रवाई के दौरान हड़कंप मचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीकर से यह बड़ी खबर, जहां कोचिंग में एक बड़ी छापेमारी की गई है। कोचिंग संस्थान पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक कोचिंग संस्थान पर ईडी की टीम पहुंची और कोचिंग में छानबीन चल रही है। ईडी छानबीन कर रही है और
ईडी की छानबीन से उस दौरान कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां कोचिंग संस्थान पर ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कोचिंग संस्थान पर ईडी की टीम पहुंची है, कोचिंग संस्थान पर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग में अब ईडी छापेमारी कर रही है। और जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल और मोर्चा खोला है शिक्षकों ने। जयपुर में राज्यभर से आए शिक्षक, जयपुर में शिक्षकों का हल्ला बोल प्रदर्शन। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, ये शिक्षकों का टैगलाइन है आज विरोध प्रदर्शन का। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है सरकार को कि अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो वो वोट नहीं करेंगे। जैसा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं अभियान का आज से आगाज शुरू हुआ। शहीद स्मारक पर शिक्षक धरना दे रहे हैं। पूरे प्रदेश से शिक्षक का जमावड़ा आज दिख रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है और सीधे सीधे टैगलाइन दे दिया है शिक्षकों ने कि अगर हमारा ट्रांसफर नहीं होगा तो वो अपना वोट का इस्तेमाल इस बार विधानसभा में नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश से अलग अलग कोने से प्रदेश के शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, आज हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मोर्चा खोला है जयपुर में, राज्य भर से शिक्षक आए हैं और जयपुर में शिक्षकों का हल्ला बोल प्रदर्शन। तस्वीरों में दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सर बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है, इतनी इतनी दूर आके बैठे हैं, 10-10 घंटे का सफर करते हैं। हमें भी अधिकार है ट्रांसफर का, हम चाहते हैं हमारा ट्रांसफर हो। अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो हम वोट नहीं देंगे, ना हमारे परिवार को हम देने देंगे बिल्कुल भी। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफर किए जाए। सबसे ज्यादा काम सर्टिफिकेट टीचर ही करता है, मतलब इलेक्शन भी टीचर ही करवाए, पोलियो की दवा भी टीचर ही पिलाए, लेकिन अगर ट्रांसफर की बारी आती है तो सबसे पीछे ना जो थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, सभी के हुए। कौन सी पॉलिसी से हुए, बिना पॉलिसी के हुए सबके, तो नियम सभी के लिए एक ही हो। अगर उनके ट्रांसफर हर 2-3 साल में हर बार ही होते रहते, हमारे आज 4 साल में भी ट्रांसफर नहीं हुए, कांग्रेस एक बार भी ट्रांसफर नहीं करना चाहती है क्या? राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक लगातार संघर्ष कर रहा है कि ट्रांसफर जो है वो खोल दिए जाएं, मगर ट्रांसफर नहीं खोले गए। आज पूरे प्रदेश भर का शिक्षक जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है। ये तस्वीर है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर आज ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ में एक शिक्षक क्रांति धरना जो है वो दिया जा रहा है। तमाम शिक्षक यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं, सांकेतिक रूप से सरकार को चेताने आए हैं, बताने आए हैं कि ट्रांसफर कितना जरूरी है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ अध्यापक है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितना जरूरी है ट्रांसफर, क्या बात है जो अटक रही है, अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहे आप लोगों के? पिछले 5 साल से राजस्थान की सरकार ने विभिन्न समर्गों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड का टीचर जो बड़ी संख्या में दूसरे जिलों में कार्यरत है उसके ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। आज पिछले लंबे समय से ट्रांसफर की मांग को लेकर लगातार ये कैंपेन चलता आ रहा है। आज इस दौर में जब चुनाव नजदीक है, हमने तय किया है कि राजस्थान की सरकार को आईना दिखाएंगे और राजस्थान की सरकार जिस मदहोश में है उस मदहोश को भी हम दूर करने का काम करेंगे। और ये मांग करने के लिए राजस्थान का शिक्षक आया है कि या तो ट्रांसफर कर दीजिए, अन्यथा इसके परिणाम आपको आने वाले दिसंबर में भुगतने के लिए तैयार होने के। आप बताइए सरकार क्या कह रही है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही सरकार के लोगों से, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? भारतीय श्रेणी शिक्षकों ने कम से कम 13 बार इस मांग को लेकर धरना दिया है और विभिन्न समय पर शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने बार बार यही कहा कि जल्दी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ये आशंका है कि नई जो भर्ती हो रही है उसमें जल्दी सारे पद भर जाएंगे तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण कहाँ से करेगी सरकार? तो ये केवल और केवल शिक्षा मंत्री जी झूठा आश्वासन दे रहे हैं, पॉलिसी का जुमला फेंक रहे हैं। पॉलिसी जब 70 साल में नहीं बनी तो अब क्या पॉलिसी बनेगी? इसलिए सरकार को अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए नई ज्वाइनिंग से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने चाहिए, नहीं तो सरकार को ये तृतीय श्रेणी शिक्षक इस दिसंबर में इस धोखे का बदला चुका कर रहेंगे।
शिक्षकों का गुस्सा देखिए आप मेरे चारों तरफ, तमाम जो राज्य भर का शिक्षक जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, सरकार से मांग कर रहा है कि ट्रांसफर जो है वो कर दिए जाए, और ट्रांसफर्स की मांग को लेकर के तमाम शिक्षक जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र जो है वो तबादलों से बैन खोले, वरना ट्रांसफर नहीं तो वोट के मैारों के साथ में सरकार के साथ चुनाव में यह आम शिक्षक उतरता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। और डंगूर